भारत दुनिया का सबसे प्राचीन देश, जहाँ है दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता, सबसे पुराना धर्म सनातन। भारत में है दुनिया के सबसे पुराने दो शहर बनारस और हरिद्वार। दोनों ही स्थानों पर मोक्ष और मुक्ति का द्वार है। हर हिंदू की इच्छा होती है कि उसके जीवन का अंतिम समय इन्हीं स्थानों पर बीते। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे हरिद्वार के कनखल की, जो सतयुग से ही अटल है, जहां है माँ गंगा का सानिध्य, अध्यात्म, योग और जीवन मरण के चक्र से मुक्ति का मार्ग। ये भूमि है माता सती के बलिदान की, महादेव के क्रोध की, गुरु अमरदास के संघर्ष की। कनखल को पूरी तरह से जाना नहीं जा सकता, सिर्फ जिया जा सकता है। तो कनखल सीरीज के इस तीसरे भाग में हम दर्शन करेंगे प्राचीन कनखल के। तो बोलिए हर हर गंगे। कनखल भूमि, भूमि मोक्ष की, मुक्ति की, शांति की और योग की। शांति जो यहाँ पर है प्राचीन काल से, यहाँ पे जो भी है वो सब प्राचीन, बहुत प्राचीन। और ये है सामने कनखल की पहचान, माँ गंगा। कनखल के इतिहास को बयां करते कनखल के बहुत ही पुराने, बहुत ही प्राचीन घाट। अगर आप ज़िंदगी की भागा दौड़ी से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं या बहुत ज़्यादा टेंशन में आ चुके हैं, तो ये वाली जगहें आपके लिए मैं सबसे ज़्यादा सजेस्ट करूँगा। आप यहाँ पे आ सकते हैं और कुछ दिन बिता सकते हैं। इस तरीके की शांति आपको मिलेगी और सिर्फ आप अपने आप से बात कर सकते हैं, अपने आप को जान सकते हैं। तो ऐसी शांति अगर आपको चाहिए तो आपको हरिद्वार और स्पेशली कनखल आना होगा, जहाँ पे आपके हर दुख और हर टेंशन को दूर करने के लिए माँ गंगा मौजूद है। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं दीपक और फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज है 23 मार्च और कनखल सीरीज़ का तीसरा और आखिरी पार्ट। और आज तीसरे पार्ट में मैं आपको कनखल की उन प्रमुख जगहों पे लेके जाऊंगा जिन्हें कहा जाता है मोक्ष का द्वार और मुक्ति का द्वार। बनारस के बाद अगर सबसे पुराना कुछ माना जाता है तो कनखल ही माना जाता है। जो बनारस में है प्राचीन काल से, उसी तरीके की चीज़ें हैं कनखल में। इस वीडियो में मैं दिखाऊंगा आपको हरिद्वार का सबसे प्राचीन घाट सती घाट, यहाँ पे महादेव का मंदिर है। तो चलिए चलते हैं और कनखल को जानते हैं। तो वीडियो का एंड तक देखते रहें, आपको वीडियो अच्छी लगने वाली है। ये यहाँ से, यहीं से जो आप कनखल में देखते हो, जो जितना ये जलधारा जाती है यहीं से जाती है, कनखल की जलधारा को कंट्रोल करती है। और यहाँ पे देखा करिए, ओम घाट से निकल के आती है। ये देखिए, वेग देखिए इसका और आवाज़ सुनिए कितनी लाउड है, गजब देख रहे हो। और यहीं से सीधा कनखल चली जाती है आगे। वेग देखिए, इनका रूप देखिए, तीनों फाटक खुले हैं। तो लगातार हिमालय में जो बर्फ़ पिघल रही है, ऊपर ग्लेशियर पिघल रहा है, उसकी वजह से गंगा जी में जो जलधारा है गंगा जी की, वो बहुत तेज है। अभी मैंने देवप्रयाग की वीडियो डाली थी, वहाँ पे भी जो वाटर लेवल था बहुत ज़्यादा था, क्योंकि दोनों नदियाँ तमाम लगातार पिघल के आ रही है ऊपर से बर्फ़। इस वजह से बहुत ज़्यादा यहाँ पर गंगा जी में फ्लो भी बढ़ गया है अब। और यहाँ से जाता है कनखल। तो मैं यहाँ से शुरुआत कर रहा हूँ, इस जगह को बोलते हैं शंकराचार्य चौक कनखल। और यहीं से हम अंदर जाएंगे और यहीं से कनखल शुरू होगा। तो सबसे पहले मैं आपको लेके जाऊँगा सती घाट, जो हरिद्वार का और भारत का सबसे पुराना घाट शायद आप कह सकते हैं बनारस के घाट के बाद। तो उस तरफ मैं आपको लेके जाता हूँ और सती घाट बहुत ही प्राचीन है। तो यहाँ से मैं इसलिए लेके आया हूँ ताकि आपको बहुत आसानी हो सके अगर आप पहली बार आ रहे हैं। तो यहाँ से सती घाट के लिए आप जाते हैं और यहीं से कनखल जाते हैं। इस जगह को बोलते हैं शंकराचार्य चौक। और स्टेशन से कनखल की दूरी है 5 किलोमीटर। तो यहाँ से हम चलते हैं सती घाट की तरफ। जहाँ पे पहुँचे हैं ये है झंडा चौक, कनखल का सबसे मुख्य चौक है। कनखल की सबसे प्रमुख जगह यही है झंडा चौक। और यहाँ पे आपको दक्ष से भी ये रास्ता चला जाएगा और सब जगह के रास्ते यहाँ से आपको मिल जाएंगे। कनखल का है ये झंडा चौक, ये सामने आप देख सकते हैं। अब हमें यहाँ से जाना है अपने दाहिने हाथ पे, हम मुड़ चुके हैं और ये वाला रास्ता चला गया दक्ष को। वैसे तो ये भी जाता है पर यहाँ से लंबा पड़ता है, पर हमें सती घाट जाना है तो सती घाट के लिए हमें ये वाला रास्ता है। और अब देखिए पुराना कनखल आपको मिलेगा, जैसे पंचायती अखाड़े का आश्रम है और ये सारी पुरानी पुरानी बीच में आपको बिल्डिंगें मिलेंगी जो हज़ारों साल पुरानी है। और सामने आप पढ़ सकते हैं अस्थि प्रवाह घाट,
सती घाट पार्किंग। तो हमें यहाँ से जाना है और प्राचीन हरिद्वार अभी भी यहाँ पे बना हुआ है, बसा हुआ है। ये देखिए सती घाट की पार्किंग है, छोटी सी पार्किंग है, जब भीड़ होती है तब बहुत मुश्किल हो जाती है यहाँ पर, और यहाँ पर इस तरीके से बैठे रहते हैं। अगर आपने मेरी मणिकर्णिका घाट की वीडियो नहीं देखी है जब मैंने बनारस की डाली है, तो आप उसको भी ज़रूर देखिएगा। मैं ऊपर आई बटन पर लिंक डाल दूँगा, आपको बहुत ही समानता मिलेगी। मणिकर्णिका घाट दुनिया का सबसे प्राचीन घाट है, तो उसी तरीके का घाट ये सती घाट भी है, और दोनों ही मुक्ति और मोक्ष के द्वार हैं। अब यहाँ से मैं आपको कराता हूँ सती घाट के दर्शन। पुराना हरिद्वार, बहुत ही पुराना, उसकी झलकियाँ मिलेगी यहाँ से आपको। ये देखिए, ज़्यादातर सती घाट में लोग अपने जो घर में जिनकी मृत्यु हो जाती है उनकी अस्थियों को विसर्जन करने के लिए यहाँ पे आते हैं, और बगल में ही है सती शमशान घाट आगे, तो वहाँ पे अंतिम संस्कार वगैरह की क्रियाएं भी होती हैं। और देखिए यहाँ पे लिखा है पुरोहित, यजमान वगैरह, तो कितना प्राचीन है ये। अक्सर मुझसे लोग कमेंट में पूछते रहते हैं, उन्हें आना होता होगा अपने इन्हीं कार्य के लिए, तो वो बहुत जने मुझसे कमेंट में, इनबॉक्स में, ज़्यादातर इंस्टाग्राम में पूछते हैं कि हमें अस्थि विसर्जन करना है, तो मैंने कहा एक वीडियो आपको बनाई जाए सेपरेट कि आपको पता लग जाए। और यहाँ पे इसी तरीके से पुरोहित वगैरह बैठे रहते हैं, तो पूरा आप देख सकते हैं घाट, सबसे प्राचीन घाट यही है। यहाँ पे ऐसे छोटे छोटे मंदिर बने हैं, सामने ही है गंगा जी। देखिए इस तरीके से वो पूरी गंगा जी आगे से आती हैं, और यहाँ पे दोनों तरफ घाट बने हुए हैं, और अच्छा तो लगता है, शांति बहुत है। और ये पद चिन्ह है माता गंगा के, यहाँ पे चरण के निशान बनाए रखे हैं, यहीं पे पूजा होती है। के जो अस्थि के सारे अस्थियों के प्रभाव होते हैं यहीं पे होते हैं, और यहाँ पंडित पंडे बैठे होते हैं जो आपकी पूजा वगैरह कराएंगे। देखिए तो वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट में हर हर गंगे जरूर लिखें, और बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे शांति भी मिलती है, आके लोग बैठते हैं। यहीं पे आपको सती घाट पे मिलेगा प्राचीन मोटेश्वर महादेव सती घाट, सामने शिवलिंग है देख सकते हैं आप, तो इसके भी दर्शन कर सकते हैं। बहुत प्राचीन मंदिर है ये, अब बना दिया गया है ये, तो ये शिवलिंग तो सती के टाइम से ही है। यहाँ के आपको लगेगा अभी दुनिया उतनी भी आधुनिक नहीं हुई है, ये अभी वही पुराने टाइम का ही आपको घाट लगेगा, और यहाँ पर लगेगा कि हाँ। और ये है जो गुरुद्वारा, ये गुरुद्वारे की भी बड़ी विशेषता है, जो सिखों के तीसरे जो गुरु थे अमरदास जी, उनका है ये गुरुद्वारा। वो 22 बार यहाँ पर आए थे अमृतसर से, 22 बार पंजाब से 22 बार वो आए थे, तो उनके ही नाम पे है ये गुरुद्वारा, जो तीसरे गुरु थे सिखों के अमरदास जी, तो उन्होंने जो सती प्रथा थी उसे यहाँ पे समाप्त किया था, तो एक बड़ा योगदान था सिख गुरु जी का यहाँ पर गंगा घाट पर। इसलिए आप देख सकते हैं कि सिख समाज के लोग भी आपको बहुत सारे मिलते रहते हैं यहाँ, तो इस गुरुद्वारे को भी प्रणाम। ये छोटे छोटे से मंदिर हैं, तो इस घाट के साथ एक ये भी कहानी जुड़ी हुई है कि जो सती प्रथा थी यहाँ पे होती थी, सती आप जो समझते हैं कि जब जिसके पति की मृत्यु हो जाती थी तो साथ में उसकी जो पत्नी हुआ करती पत्नी होती थी उसको भी ये कहा जाता था कि अब उसको भी जीने का अधिकार नहीं है, मतलब तो उसे चिता में ही चले जाना था, मतलब एक बहुत ही सुनने में ही बहुत विभत्स प्रथा थी कि यहाँ पे जितनी भी सती हुई होंगी उस ज़माने में, तो उनके छोटे छोटे से मंदिर बना दिए गए थे यहाँ पर ताकि लोगों को पता चलता रहे। देखिए आप ये, तो ये प्रथा को ख़त्म करवाया था जिसके प्रति बहुत विरोध किया था, वो किया था सिखों के तीसरे जो गुरु थे अमरदास जी, उन्हीं का योगदान है, उन्हीं का श्रेय जाता है उन्हीं को कि उन्होंने ये प्रथा को ख़त्म करवाया था हरिद्वार में, और सती प्रथा होने की वजह से इस घाट का नाम सती घाट पड़ गया।
है, आज मैं आपको वो कंकाल दिखा रहा हूँ जिसके बारे में कम ही लोग दिखाते हैं या बात करते हैं, पर जो जाना ही जाता है कंकाल, जिनसे कंकाल की पहचान है जिनसे, इसलिए जो अपनी मूल पहचान है उसको मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखा रहा हूँ। देखिए ये जो आप ये सारा स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये सब उसी समय का है प्राचीन का, पर अब धीरे धीरे इस तरीके की बिल्डिंगों ने जगह ले ली है। और दोस्तों अब मैं आपको लेके आया हूँ भारत के सबसे पुराने शमशान घाटों में से एक, ये घाट है कंकाल का शमशान घाट, बनारस का मणिकर्णिका और राजा हरिश्चंद्र घाट है उसी जितना ये घाट है पुराना, बैकुंठ द्वार इस पे लिखा हुआ है और ये मुक्ति का और मोक्ष का द्वार है। और पूरे भारत से लोग यहाँ आते हैं, वो चाहते हैं कि उनकी जो अंतिम संस्कार है वो इसी घाट पे हो, तो लेके आते हैं। और ये कंकाल सबसे प्राचीन कंकाल है, ये शायद भारत की सबसे पुरानी जगहों में से एक है, और यहीं पे जो अंतिम संस्कार की सारी चीज़ें हैं वो यहीं मिलती हैं, जैसे आप देख सकते हैं लकड़ी वगैरह के सारे, ये जितने भी ये संस्कार में जो काम आते हैं चीज़ें जो प्रयोग करी जाती हैं उन सब का मार्केट है ये। तो जहाँ मैं अब लेके आया हूँ ये है दरित भंजन महादेव, और इन महादेव की एक अपनी विशेषता है। और दोस्तों कहा जाता है जो यहाँ पे 40 दिन जो लगातार यहाँ पे 40 दिन आ जाता है और 40 दिन यहाँ पे आके लगातार जल चढ़ा देता है, दर्शन कर लेता है, उसकी कोई भी मनोकामना पूरी हो जाती है। और ये बात बिल्कुल सिद्ध है और बिल्कुल सच है, क्योंकि हरिद्वार के जितने लोकल लोगों ने ये चीज़ करी है उनके सारे काम बने हैं। तो ये है दरित भंजन महादेव, मैं आपको अंदर से अब दर्शन करा रहा हूँ ये महाशिवलिंग के। शिवलिंग के शुरू में ही मिलते हैं नंदी जी, हर शिवलिंग की तरह यहाँ पे भी मुख होता है उनका, जय हो। तो कंकाल का बहुत प्राचीन मंदिर आप ये बोल सकते हैं, फिलहाल है कपाट बंद और यहाँ से आपको दिख जाएंगे, देखिए इस टाइम द्वार बंद है। ये है अंदर जो दिख रहे हैं वो है ढक दिए हैं फिलहाल, शाम को खुलेंगे आरती के वक्त। जय हो दरित भंजन महादेव, जय हो। यहाँ पे ऐसे ही सेवक आते हैं और सेवा करते हैं महादेव की। शाम की आरती कितने होती है भैया? 7 बजे ना, तो 7 बजे देखिए ये यहीं पास से आएंगे सिर्फ भक्त और सेवा कर रहे हैं मंदिर की, क्योंकि यहाँ पे होती है मनोकामना पूरी, बहुत सिद्ध मैंने बोला है ना महादेव है, 40 दिन के लिए जाने जाते हैं, जो 40 दिन यहाँ पे आता है उनके सारे काम बन जाते हैं। और जैसे ही आप दरित भंजन महादेव से आते हैं और यहाँ पे मिलती हैं आपको माँ गंगा, तो ये है कंकाल की गंगा जी के ऊपर एक पुल, यहाँ से लोग आना जाना करते हैं और यहाँ से दर्शन करें आप माँ गंगा के। जो पूरा कंकाल है ना वो ऐसे ही गंगा जी के किनारे किनारे, पूरा कंकाल ऐसे ही गंगा जी के किनारे बसा हुआ। कंकाल जाना जाता है अपनी शांति के लिए, अपने अध्यात्म के लिए, मधुर स्वर होता है ना जो प्रकृति का, चिड़ियों का, पंछी का, और सबसे ज़्यादा माँ गंगा की लहरों का, वो यहाँ पे आपको बिल्कुल साफ साफ सुनाई देगा बिना शोर शराबे के। तो दोस्तों यही था कंकाल सीरीज़ का तीसरा और आखिरी पार्ट, ये आखिरी पार्ट था, तो मैंने इसमें आपको कंकाल को दिखाने की कोशिश करी है। वैसे तो पूरा कंकाल आपको कोई दिखाई नहीं सकता है, कंकाल को सिर्फ आप जी सकते हैं, कंकाल को आप महसूस कर सकते हैं कंकाल में आकर, पर फिर भी जो जो प्रमुख जगह थी वो मैंने इन तीन पार्ट में आपको दिखाने की कोशिश करी है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो हरिद्वार की जब भी आपकी यात्रा हो तो कंकाल भी आप जरूर आए, दक्ष प्रजापति आपको आना ही होगा, दक्ष प्रजापति आए, गंगा जी में स्नान करें और कंकाल में जो ये सारी प्राचीन जगह है इनको भी आप देखें। तो वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एक दोस्तों, क्योंकि हरिद्वार हर इंसान नहीं आ पाता है, पर इस वीडियो को हर इंसान के पास तक आप पहुंचा दें जिसे हरिद्वार देखना है, कंकाल देखना है, तो सब तक ये वीडियो शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, अपने अच्छे अच्छे कमेंट करें, अपने सुझाव दें, अपना एक्सपीरियंस लिखें और हर हर गंगे हर हर महादेव भी जरूर लिखें। तो फिर मिलता है किसी नई वीडियो में, नए ब्लॉग में, नए एडवेंचर के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर गंगे हर हर महादेव। और हाँ दोस्तों, मई से खुल रहे हैं चार धाम के कपाट, तो अब धुआंधार ब्लॉग आएंगे सारे ऊपर पहाड़ों के, तो वीडियो हर वीडियो देखना, इसलिए नोटिफिकेशन को ऑन कर दे, ऑल कर दे। हर हर गंगे हर हर महादेव, जय उत्तराखंड, नमस्कार।